से मतलब टनल बंद कर दिया इन्होंने, क्योंकि भाई रिस्क का सिर्फ टैंकर ही आते हैं, टैंकर सिर्फ ऊपर उस पहाड़ी से आते हैं। हे गाइस वेलकम टू बैक द चैनल। तो भाई अभी हैं हम इधर काजीगुंड में, जो काजीगुंड का मतलब क्या नाम है उसका ग्राउंड है, तो उधर हैं भाई। आई सीट में ब्लॉक बना रहा हूँ, तो राजा भाई भी बाहर हैं सभी। तो भाई एक मसला हो गया, रस्सा ढीला हो गया ना, इसलिए अभी हम करेंगे रस्सा टाइट। पीछे भी कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी रस्सा टाइट करके फिर खाना बनाएंगे ना, खाना बना के अब राजा भाई इंट्रो करेंगे। तो भाई राजा भाई करेंगे इंट्रो। लो राजा भाई, अब राजा भाई इंट्रो करेंगे, ठीक है। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस सुबह के 10 बज चुके हैं फाइनली, और अपने साथ कौन आ चुका है भाई, यहाँ देख रहे हो पठान भाई। भाई ने बोला राजा भाई जब भी आया करोगे फोन किया करो, गाड़ी आराम से अपने घर पहुँच जाएगी, ठीक है। अपने भाई हैं यार, अपने दोस्त हैं। तो गाइस अपनी गाड़ी यहाँ आ चुकी है, और ये जगह लोअर मुंडा, लोअर मुंडा है ना जी, लोअर मुंडा में आज रुके भाई। टूल प्लाजा ओल्ड वाली रोड, मतलब देख रहे हो पुरानी वाली रोड, यहाँ पे पुरानी वाली रोड पे आ गए थे, क्योंकि हमने गाड़ी रखी थी फ्रंट पे। और भाई यात्रा है ना, यात्रा के मतलब ऐसा सीन है कि जब से यात्रा चल रही है तब से मेन रोड पे गाड़ियाँ कम ही लगने दे रहे, बहुत कम गाड़ियाँ। तो एक गाँव में आए भाई, वो भी दिखाएंगे। जो सबसे पहली रोड है ना वो है यहाँ पे, देख रहे हो गाड़ियों ऊपर से भी आ रही हैं, और यहाँ शेड के नीचे रहा टूल, वो भी दिखा देते हैं, देख रहे हो। और अपनी गाड़ी का रस्सा हो चुका है भाई सुबह सुबह ढीला, तो टाइट करेंगे, अब टाइट करेंगे भाई। देख रहे हो, देख रहे हो बिल्कुल ढीला हो गया, क्योंकि वो जो माल डाला ना वो बैठ गया ना थोड़ा, ये देख रहे हो। और गाइस यहाँ रहा ओल्ड वाला टूल, जब पहले ऊपर उस पहाड़ी पे था पहले टनल ओल्ड वाला, क्योंकि वो 100 ईयर उसके अलावा पहले टनल की कितनी एज हुई हो, 50 साल पुराना है ना जी, 50 साल पुराना। और आपको पता भी है जो टनल है, टनल की लाइफ सिर्फ 50 साल ही होती है। वहां से मतलब टनल बंद कर दिया इन्होंने, क्योंकि भाई रिस्क का सिर्फ टैंकर ही आते हैं, टैंकर सिर्फ ऊपर उस पहाड़ी से आते हैं, टैंकर और गैस वाली गाड़ी, गैस वाली गाड़ी। बाकी अपनी गाड़ी का पहले यहाँ कांटा था, जब नई गाड़ी ली थी ना तब इस रोड से मैं आया, यहाँ पे था इसका कांटा इस शेड के नीचे, देख रहे हो। और यहाँ जाम भाई लिमिट से भी ज्यादा है। तो आज फिर से पुरानी यादें ताज़ा हो गई भाई, इधर आ गए थे और काफी भाई हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। बेटे ये बंदा ना रात को जल्दी सोया, कितने बजे? 1 बजे। यार आपसे लेट सोया मैं। हाँ भाई लेट सोया, और सुबह सबसे लेट ही उठा, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, टाइट करना अच्छे से, ठीक है। तो अपने भाई हैं साथ में, कोई टेंशन नहीं है भाई, दो गाड़ियों का ये मसला होता है। तो गाइस चलो पहले देखते हैं भाई क्या अपडेट रहती है, किस टाइम छोड़ते हैं किस टाइम नहीं, क्योंकि जो गाड़ियां रोड पे लगी हुई है ना चलान कर रहे हैं ना, वहाँ पे चलान कर रहे हैं सब गाड़ी को, चलान हो रहा है। कहाँ ये जो लाइन में, शुक्र रात को हमने गाड़ी वहाँ नहीं लगाई, चलिए भाई कन्वाई यहाँ से छोड़ दी। और भाई ये वाला तो आज खत्म होने वाला है, क्योंकि आज के बाद ना हम आपको कन्वाई में नहीं दिखेंगे, क्योंकि गाइस बाहर जा रहे हैं। और अभी टाइम हो रहा है दिन के 3 बज चुके हैं भाई, मैं आके अपने शकील भाई के साथ। और गाइस अपने साथ एक खतरनाक सा हादसा हो गया, बयान नहीं करूंगा क्योंकि भाई दिल टूट सा गया, मतलब मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉग करने का, फिर भी सोचा चलो कर ही लेते हैं ब्लॉग। शकील भाई के साथ आ गया, और अपने साथ जो भाई था उसको भेजिए अपने बादशाह में, इमरान भाई चला रहे हैं अपने ही बादशाह। और गाइस देख रहे हो सबसे पहले हमें जाना है यहाँ से पठानकोट जाके, रुकना है भाई, और वहाँ जाके ना गाड़ी से टायर वगैरह चेंज करें, टायर वगैरह चेंज करके फिर हम निकलेंगे सीधा, दोनों भाई जाएंगे हाली करने। तो भाई साथ वाला ट्रिप इकट्ठी होने वाला था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शकील भाई को कुछ काम पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा इनको। तो चलो उससे पहले भाई यहाँ से निकलते हैं, और रश देख रहे हो भाई बहुत ज्यादा रश हो गया। गाइस देख रहे हो जाम भाई काफी रिस्क होता है यार, काफी भाई फोन करते ना इस टाइम पे, राजा भाई फोन नहीं उठा रहे हो भाई, फोन कैसे ना उठाए। आज मैंने सोचा था यहाँ बैठ के ब्लॉग करेंगे भाई, आराम से हो। बादशाह तो चला गया भाई, अपने भाई चले गए, और मैं शकील भाई के ही साथ है, क्योंकि भाई भाई बहुत ज़्यादा परेशान था भाई। सीन ऐसा हुआ भाई, सुबह गाड़ी शकील भाई की ना अचानक ही गाड़ी के साथ ही लग गई, तो भाई मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया भाई। मतलब देखो नई गाड़ी यार बिल्कुल
दिखाएंगे आपको आगे चल के ब्लॉग में दिखाएंगे कितना नुकसान हुआ कितना नहीं। तो अभी यहाँ जगह आके रुके क्योंकि अपना बादशाह तो निकल चुका है, यहाँ से निकल चुका है, मेन टूल पे पहुँच चुका है भाई और हम यहाँ फंस चुके हैं। देख रहे वहाँ पे है नाका ट्रैफिक, मतलब टूल के साथ ही हमारी गाड़ी ना यहाँ फंस चुकी है। तो चलो भाई देखते हैं किस टाइम छोड़ रहे हैं क्या कर रहे हैं। शकील भाई गए नाके पे, अभी भाई ने बोला कि अगर गाड़ी लाई तो चलो हम काटेंगे भाई। एक गाड़ी चली गई एक यहाँ रुकी। तो गाइज मैं सोच रहा था ये वाली सीरीज ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। अब ऐसा सीन हो गया कि शकील भाई रुक जाएंगे सरांध में गाड़ी का काम करवाएंगे। तो अभी वेट ही कर रहे थे भाई अपने भाई आके मिलने, यहाँ देख रहे हो यार अपने भाई और यहाँ भी मतलब भाई वो भी कौन से अपने जैसे खजल डिपार्ट वाले सारे गाड़ियाँ तो अभी छोड़ नहीं रहे शकील भाई। यहाँ देख रहे हो परेशान होकर आ रहा है भाई, क्या ही करे यार एक भाई की गाड़ी लग गई भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। दूसरी भाई ये छोड़ ही नहीं रहे यार, पता नहीं क्या सीन है। मेरी गाड़ी तो आगे चली गई लेकिन फिर भी ये थोड़ा अपसेट था, मैं इसके साथ बैठ ही गया। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। तो भाई आप कितने टाइम से खड़े हो यहाँ पे, आप कब आए? मैं अभी आया था अभी। हाँ। किस्मत वाले, कुछ किस्मत वाले बंदे भी ऐसे हैं जो खाली करके तुरंत आते हैं। आपको कितना टाइम, आप भी अभी आए भाई होता है ना, मतलब जो लोकल बंदा है ना उसको पता होता है रास्ता, तो गली आप उधर से गांव से घूम के आ गए ना। हाँ। गांव से घूम के चलो, मतलब गाड़ी में तेल वगैरह भी चला जाता है 5 लीटर जाएगा या 10 लीटर, लेकिन गाड़ी टाइम पे पहुंच जाती है। अगर हाँ ऐसा हो जाए कि इधर से भी कन्वाई टाइम से उधर से भी टाइम से फिर ठीक है। अगर मेरी तरह हो गया ना महीने में एक चक्कर, वो भी अगर 10-12 हज़ार बचेगा वो भी खुद के पेट में चला गया तो फिर भाई ट्रक लाइफ फेल है। आगे देख रहे हो वहाँ पे, देखो वहाँ ट्रक वाले भाई खड़े हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं हो गया खज्जल भाई, शकील भाई भी खज्जल हो गए। शकील भाई ने बोला कि राजा भाई आप चले जाओ क्योंकि कन्वाई इन्होंने बंद कर दी। और गाइस मैं यहाँ से पैदल जा रहा हूँ भाई, तो आगे से देखूंगा कोई सुमो गाड़ी पकड़ के अपने बादशाह के पास जाऊँगा। और गाइस वहाँ देख रहे हो वहाँ गाड़ियाँ बंद कर दी। तो चलो यहाँ तक तो अपने शकील भाई के साथ सफ़र, आप निकलते हैं सीधा भाई अपनी गाड़ी के पास क्योंकि लेट हो चुके हैं भाई, मुझे टायर वगैरह भी डालने और भी काम है, तो फिर एक ही बार इकट्ठे हो जाएंगे रास्ते। तो गाइस आ चुके हैं अपने भाई के साथ भाई टैंकर में, यहाँ रहे अपने भाई जम्मू से, अभी टैंकर में भाई के साथ ही क्योंकि यार अपनी गाड़ी आगे चली गई थी, दूसरी गाड़ी जो लगी वो पीछे रह गई थी। चलो टनल वगैरह पार हो जाए तब तक भाई को बोला गाड़ी में तेल वगैरह डलवा लेगा। टनल कर लिया पार और भाई को बोल दिया भाई क्योंकि भाई की गाड़ी पीछे रह गई। और गाइस यहाँ जाम देख रहे हो भाई बहुत ज़्यादा, यहाँ से ना मुझे 1 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा अपनी गाड़ी के पास क्योंकि अभी मुस्तफा भाई फ़ोन कर रहा था राजा भाई रेलवे के पास हूँ और रेलवे का ब्रिज रह गया पास में भाई, और जाम देख रहे हो कहाँ तक बहुत दूर था। तो चलो भागते भागते अपनी गाड़ी के पास पहुँचते हैं भाई, और यहाँ देख रहे हो पार्किंग में कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। एक्चुअली गाइस ऐसा सीन है ना कि ये जो एक बाज़ार रह गया भाई, देखो अब ऐसा सीन था कि रामबन का बाज़ार था ना उसकी टेंशन ख़त्म होगी वहाँ का, मतलब पुल वगैरह बन गया, अब यह रह गया ये वाला बनिहाल का, अगर ये बन जाएगा ना फिर कोई टेंशन नहीं है। तो गाइस फाइनली भाई अपने भाई मिल गए थे, उन्होंने हेल्प कर दी, गाड़ी पर लिफ्ट ले ली और फाइनली पहुंच चुके हैं अपने बादशाह के पास। और यहाँ देख रहे हो क्या हो रहा है, हेलो गाइस क्या हो रहा है चीज़े चीज़े घबरा गया था, लो कैमरा ये रखो, शकील भाई की गाड़ी वहीं रह गई, वो चला गया भाई। तो गाइस ऐसा सीन हो गया शकील भाई की गाड़ी वहाँ रह गई भाई, सारे सफर का मजा ही खराब हो गया। वैसे भी उनको सरांध जाना पड़ेगा, गाड़ी का काम करवाना पड़ेगा भाई। मैंने ब्लॉग में गाड़ी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि भाई अच्छा नहीं लगता अपने भाई की गाड़ी है ना, मतलब फ्रंट बम्पर वगैरह ना वो सारा चला गया उनकी गाड़ी का। तो चलो कोई बात नहीं भाई, ये कुछ होता रहता है क्योंकि कोई मुसीबत है ना बोलते हैं ना वो मुसीबत टल गई। तो उससे पहले कुछ चाय वगैरह पी लेते यार, मुझ पर मेहरबानी करो ठीक है। क्या बुरा हाल हो चुका है किसका, आपके साथ मन लगता है सही बात है ना भाई। हाँ, मेरे बिना मन नहीं लगता, नहीं तो हमको लगा था मन, अच्छा अच्छा कॉल पे बिजी हो। तो गाइस चलो भाई चाय वगैरह पी लेते हैं फिर यहाँ से निकलेंगे, तेल वगैरह डालेंगे फिर भागेंगे। तो गाइस आ चुके हैं भाई शेर भी और ये हालत देख रहे हो गाड़ी की, होय 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 अल्लाह रहम करे भाई। देख रहे हो हरियाणा नंबर गाड़ी है और गाड़ी में ना पता नहीं क्या लोड है भाई, मार्बल लोड है भाई। देख रहे हो गाड़ी है 12 टहरी, गाड़ी पलट गई इधर। ओहो ऐसा कभी अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो। तो गाइस कंटिन्यू चल रहे हैं भाई, पहुँच चुके हैं शेर बीबी, इमरान भाई भी चल रहे हैं और मैं और छोटे साथ में बैठ के गप वगैरह मार रहे हैं क्योंकि भाई इमरान भाई ना इनको भी थोड़ा हाथ हाथ अपना गाड़ी पे बैठना चाहिए क्योंकि भाई वैसे तो हाथ बैठा हुआ लेकिन फिर भी मैं थोड़ी रेस्ट ले लेता हूँ क्योंकि भाई आज रात को ही हमें सीधा पठानकोट में पहुँचना और कल वहाँ जाके टायर डालने चुके हैं। रामबन यहाँ देख रहे हो अपना छोटू अपने साथ बैठा, और गाइस बालू की हालत देख रहे हो बुरी हालत हो गई भाई। तो भाई ये रहा अपना, ये न्यू टनल ओपन हो रहा था भाई रामबन वाला, और देख रहे हो पस्सी पड़ी और गाइस ये वाला ना पूरा टूट गया देख रहे हो ऊपर से। ओए होए होए यहाँ कभी भी पत्थर आ सकते भाई, देख यहाँ टनल बन रहा था ना वो सारा उड़ गया ऊपर से, देख रहे हो पत्थर की वो हालत देख रहे हो, खाई पड़ गई है भाई पूरी खाई।
और जैसे भी नीचे काम कर रही है भाई, ये भी रिस्क ले रहे हैं भाई, देखो पूरा मतलब मलबा जो था ना टूट के नीचे आ गया। तो भाई रात के बाद चुके हैं दो, तो आ चुके हैं भाई उधमपुर। उधमपुर में भाई बारिश इतनी है मत पूछो। तो अपने जो राजा भाई, तो मैं मतलब ड्राइव कर रहे हैं 2 बजे, इमरान भाई सो गए देखो। तो भाई बाहर हाँ इमरान भाई का क्योंकि सफर है ना भाई, बाहर देख सकते हो कितनी बारिश है आगे देखो भाई। आगे दिख ही नहीं रहा, दिख रहा क्या? धुंध पड़ रही है भाई, धुंध पड़ रही है। चलो अभी लाइट करते बंद क्योंकि खतरा है ना। तो गाइस फाइनली भाई पहुंच चुके हैं उधमपुर और अभी टाइम हो रहा है रात के 2। भाई कंटिन्यू चल रहे हैं, यहाँ देख रहे हो भाई को नींद आ रही थी, मैंने बोला सोना नहीं इमरान भाई सो गए, क्योंकि भाई कंटिन्यू चल रहे थे भाई, मैं था रेस्ट पे, उसके बाद ना मैं ही कंटिन्यू चल रहा हूँ। और अभी उधमपुर जिखानी नाका पार कर रहे हैं भाई। तो आप सोच रहे थे दार रोड में जाना, क्योंकि भाई अपना टारगेट है सोमा पहुँचे, सोमा अगर पहुँचेंगे तो सुबह उधर से निकल जाएंगे। और गाइस बारिश चेक कर रहे हो भाई, तूफान आ गया भाई ऐसा लग रहा है, देख रहे हो मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।